तीन प्रश्न। हमारे मन में ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनके उत्तर जानने के लिए हम आतुर होते हैं। आइए प्रस्तुत कहानी को देखें और जानें कि राजा ने अपने मन में उठने वाले सवालों के जवाब किस प्रकार प्राप्त किए। एक बार एक राजा के मन में विचार आया कि यदि वह अपने इन तीन प्रश्नों के उत्तर खोज लेगा तो उसे जीवन में कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उसका पहला प्रश्न था, किसी भी कार्य को करने का सबसे सही समय कौन सा है? दूसरा, सबसे आवश्यक व्यक्ति कौन है? और तीसरा, व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है? यह विचार मन में उठते ही राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति उसके इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। यह समाचार पाकर राजा के पास बड़े बड़े विद्वान आने लगे, परंतु सभी ने उसके प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए उचित समय जानने के लिए मनुष्य को दिन, महीनों और वर्षों का कार्यक्रम निर्धारित कर लेना चाहिए और ठीक उसी के अनुसार समय व्यतीत करना चाहिए। कुछ विद्वानों ने कहा कि सभी कार्यों के लिए पहले से समय तय कर लेना असंभव है। मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्यों में समय ना लगाकर अपने प्रतिदिन के कार्यों की ओर ध्यान दें। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर भी अलग अलग थे। कुछ लोगों ने बताया कि राजा के लिए सबसे आवश्यक व्यक्ति उसके मंत्री हैं। कुछ ने कहा पुरोहित, तो कुछ ने वैद्यों और योद्धाओं को सबसे आवश्यक व्यक्ति बताया। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने विज्ञान को, तो कुछ ने युद्ध कौशल और उपासना को परम कर्तव्य बताया। सभी उत्तर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। अतः राजा ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया और न ही पुरस्कार दिया। अब राजा ने एक ऐसे साधु से अपने इन प्रश्नों के उत्तर जानने का निश्चय किया जो अपने ज्ञान के लिए बहुत दूर दूर तक विख्यात था। वह साधु एक जंगल में रहता था। वह जंगल छोड़कर कभी बाहर नहीं जाता था और केवल साधारण लोगों से ही भेंट करता था। राजा ने सादे वस्त्र पहने और साधु से मिलने जंगल की ओर निकल पड़ा। अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़कर राजा अकेला साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि साधु अपनी कुटी के सामने धरती की खुदाई कर रहा था। साधु ने आगंतुक का स्वागत किया और फिर से अपने काम में लग गया। साधु शरीर से दुर्बल और कमजोर था। अपनी कुदाली से थोड़ी थोड़ी धरती खोदकर वह रुक रुक कर दम ले लिया करता। साधु की ऐसी अवस्था को देखकर राजा उसके निकट जाकर बोला, हे ज्ञानी साधु, मैं आपके पास अपनी तीन शंकाओं का हल पाने की आशा से आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। राजा ने साधु को अपने तीनों प्रश्न बताए। साधु ने राजा के तीनों प्रश्न सुने परंतु उनका कोई उत्तर नहीं दिया। पसीना पहुंचकर उसने फिर से धरती को खोदना आरंभ किया। साधु को पुनः परिश्रम करता देख राजा को उन पर दया आ गई और उसने कहा, आप थक गए हैं, लाइए मुझे कुदाली दीजिए, थोड़ी देर आपका काम मैं कर देता हूँ। साधु ने धन्यवाद कहकर कुदाली राजा को दे दी और खुद धरती पर बैठ गया। राजा कुदाली से धरती खोदने लगा। एक घंटा बीता, दो घंटे बीते, सूर्य वृक्षों के पीछे डूबने लगा। अंत में राजा ने कुदाली को धरती पर रखकर कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते तो स्पष्ट कह दीजिए, जिससे मैं घर की ओर लौट जाऊँ। तभी अचानक साधु ने कहा, देखो कोई दौड़ता हुआ हमारी ओर ही आ रहा है, आओ उसे देखें। राजा ने मुड़कर देखा तो एक दड़ियल आदमी जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा था। वह अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए था। उसके पेट पर लगे घाव से बहुत खून बह रहा था। दोनों के निकट आकर वह धरती पर गिर गया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने देखा कि उसके पेट में किसी शस्त्र से गहरा वार किया गया था। राजा ने फौरन उसके घाव को साफ किया और अपने कपड़े को फाड़कर उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए।
अंत में दोनों की देखभाल से उस मनुष्य को कुछ चैन मिला। साधु की सहायता से राजा घायल आदमी को कुटी के भीतर ले गया और वहां उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटने के पश्चात उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप पड़ा रहा। राजा भी पैदल चलने और परिश्रम करने के कारण इतना थक गया था कि द्वार के सहारे लेटा और सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। सवेरे उठा तो कुछ देर तक उसे यही समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। थोड़ी देर बाद उसे अपरिचित दड़ियल व्यक्ति का हाल भी मालूम हुआ, जो बिस्तर पर लेटा हुआ बड़ी एकाग्रता से राजा की ओर देख रहा था। जब दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा जगा हुआ है और उसकी ओर देख रहा है, तो उसने दुर्बल स्वर में कहा, मुझे क्षमा कीजिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर तुमने कोई अपराध भी नहीं किया जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपका वह शत्रु हूं जिसने आपसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। कारण यह था कि आपने मेरे भाई का वध किया और उसकी जायदाद हड़प ली थी। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि आप साधु के पास अकेले आए हैं, तो मैंने निश्चय कर लिया कि जब आप लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा। परंतु जब पूरा दिन बीत गया और आप नहीं लौटे, तो मैं आपको ढूंढने के लिए अपने गुप्त स्थान से निकला। रास्ते में आपके अंग रक्षकों से आमना सामना हो गया और उन्होंने मुझे पहचान कर पूरी तरह घायल कर दिया। मैं उनसे बचकर अवश्य भागा, लेकिन यदि आपने मेरे घाव की पट्टी ना की होती तो मैं अवश्य ही मर जाता। मैंने आपको मारना चाहा, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। अब यदि मैं जीवित बच सका तो मैं आपका सबसे सच्चा गुलाम बनकर रहूंगा और अपने पुत्रों को भी इसी बात की आज्ञा दूंगा। मुझे क्षमा कीजिए। अपने शत्रु से इस प्रकार सुलह हो जाने और मित्र लाभ होने से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने उसकी जायदाद लौटा देने का भी वचन दिया। इस प्रकार घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा बाहर आया और साधु को देखने लगा। लौटने से पहले वह एक बार फिर अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए साधु से प्रार्थना करना चाहता था। राजा उसके निकट जाकर बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपसे अंतिम बार प्रार्थना करने आया हूँ। साधु ने राजा से कहा, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। राजा ने कहा, क्या उत्तर मिला? आपका क्या तात्पर्य है? मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? मेरे शरीर की दुर्बलता पर यदि तुम कल तरस नहीं खाते और मेरी क्यारियां खोदे बिना लौट जाते, तो यह मनुष्य जिसके प्राणों की रक्षा तुमने की, वह तुम पर आक्रमण कर देता और तुम उस समय यह सोचकर पछताते कि मैं साधु के पास क्यों न ठहर गया। तुम्हारा सबसे मूल्यवान समय वही था जब तुम धरती खोद रहे थे और सबसे आवश्यक व्यक्ति मैं था, तथा मुझ पर उपकार करना तुम्हारा परम कर्तव्य। जब वह आदमी हम लोगों की ओर दौड़ा हुआ आया, तब सबसे मूल्यवान समय तुम्हारे लिए वही था जब तुमने उसकी सेवा शुश्रूषा कर उसके प्राणों की रक्षा की। यदि तुमने उसकी मरहम पट्टी ना की होती तो वह तुमसे मैत्री किए बिना ही मर जाता। वही तुम्हारे लिए परम आवश्यक व्यक्ति था और उसके लिए जो कुछ तुमने किया वही तुम्हारा परम कर्तव्य था। इसलिए यह सदैव ध्यान रखो कि वर्तमान समय ही सबसे आवश्यक समय है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो आपके समीप और आपके समक्ष है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले ही क्षण हम किसी से व्यवहार करने के लिए जीवित भी रहेंगे या नहीं, और उस पर उपकार करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि इसी कारण मनुष्य संसार में जन्म लेता है।